दोस्तों इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के 3 खाते की जानकारी देते हुए कहा कि ये 3 खाते धोखाधड़ी वाले हैं। साथ ही ये भी जानकारी दी कि इनमें कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बकाया है। बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इन अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट अनाउंस कर दिया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेटर आवश्यकता के अनुसार सूचना दी गई है। इंडियन बैंक ने शेयर बाजार को भेजी गई जानकारी में कहा कि उसने 3 एनपीए वाले 3 खाते एस कुमार नेशन वाइड लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड और युवराज पावर प्रोजेक्ट को धोखाधड़ी वाले खाते घोषित किए गए हैं। उसने ये जानकारी रेगुलेटर नीट के तहत आरबीआई को दी है। बैंक ने कहा कि इन 3 खातों में टोटल 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। बैंक ने बताया कि एस कुमार नेशन वाइड लिमिटेड पर 14.51 करोड़ रुपए बकाया हैं, प्रिया लिमिटेड पर 19.73 करोड़ रुपए और युवराज पावर प्रोजेक्ट पर 11.5 करोड़ रुपए बकाया हैं। दोस्तों लेंडर ने कहा कि पहले के 2 खातों में 100% तक का प्रोविजन है, जबकि तीसरे खाते में दिसंबर 2020 के अंत में 9.60 करोड़ रुपए का प्रोविजन शामिल है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट इंडियन बैंक को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।